गाइज अभी आप जो मेरे ये स्ट्रेट हेयर देख रहे हो ये अभी कुछ टाइम पहले बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे जिनको कि मैंने इस क्लॉथ आयरन की हेल्प से स्ट्रेट किया है। हाय एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ टू स्ट्रेटन योर हेयर विद द हेल्प ऑफ आयरन क्लॉथ। कैसे आप घर पे सिर्फ 5 मिनट में आयरन क्लॉथ की हेल्प से अपने टेढ़े मेढ़े घुंघराले बालों को सीधा कर सकते हो। गाइस ये कोई नई टेक्निक नहीं है, काफ़ी पुरानी टेक्निक है। जब हेयर स्ट्रेटनर इतने ट्रेंड में नहीं थे और इतने इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पाते थे तो काफ़ी लोग इस टेक्निक को यूज़ करते थे अपने बालों को सीधा करने के लिए। तो एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा रिस्की भी है। मेक श्योर कि जब भी आप इस टेक्निक को घर पर ट्राई करें तो आपका जो आयरन है वो लो हीट पर होना चाहिए, हाई हीट पर नहीं होना चाहिए। लो हीट पर गर्म होने के बाद आप स्विच को बंद कर दें, उसके बाद आपको अपने बालों में प्रेसिंग शुरू करनी है। डायरेक्ट स्विच ऑन करके डायरेक्ट प्रेसिंग नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है और आपके बाल भी डैमेज हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करके अच्छे से कॉम्ब कर लूंगी जिससे कि जो उलझे हुए बाल हैं वो सुलझ जाएं। यहाँ पे मैं एक साइड के बालों को हेयर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी जिससे कि वो मुझे डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर सीरम, आप चाहें तो स्ट्रेटनिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे बालों को डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करता है और इससे हमारे बाल डैमेज भी नहीं होते। ओके गाइस, तो एक टॉवल भी मुझे चाहिए होगा जिसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो गाइस पहले मैं इतने सेक्शन में प्रेसिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी है, हल्के से प्रेशर के साथ आपको नीचे की तरफ प्रेसिंग करनी है। गाइज इस तरीके से मैं 2 से 3 बार इसको रिपीट करूंगी, इससे और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। एक्चुअली इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल हेयर स्ट्रेटनर की ही तरह आता है, बस थोड़ा साइज़ का फ़र्क है और ये एक काइंड ऑफ देसी जुगाड़ है। सो गाइज अब बारी है इस सेक्शन की, तो अब मैं सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करने वाली हूँ। तो गाइज डिफरेंस आप देख सकते हैं इस साइड एंड इस साइड। कि गाइज नाउ यू कैन सी दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में मेरे बाल कितने अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। मुझे सिर्फ 5 मिनट इसलिए लगे क्योंकि मेरे बाल पतले हैं। अगर आपके घने बाल हैं, ज़्यादा अच्छे बाल हैं, तो आपको 5 से 10 से 15 मिनट का टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये टेक्निक वाकई में बहुत अच्छे से काम करती है। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।